अस्सलाम वालेकुम, अप्लाई नाउ में खुश आमदीद। आज मैं आपके साथ पेशावर यूनिवर्सिटी की बीएस प्रोग्राम की सब डिपार्टमेंट की फ़ी स्ट्रक्चर डिस्कस करने जा रहा हूँ कि उसकी फ़ी स्ट्रक्चर है क्या। ये उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जिस जो अप्लाई करना चाहते हैं, उसको पहले से पता होना चाहिए कि पेशावर यूनिवर्सिटी की फ़ीसें कितनी हद तक है और कितनी तक वो अफोर्ड भी कर सकती हैं। तो ये अगर हम स्टार्ट करें फैकल्टी ऑफ आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज से, तो ये 36,000 इसमें एवरेज चल रहा है, 36,500 मिनिमम है। इसी तरह 40,800 हमारे पास मैक्सिमम है। अगर हम फैकल्टी ऑफ इस्लामिक ओरिएंटल स्टडी की बात करें, वो 29,800 है मैक्सिमम, और मिनिमम भी 29,800 है। फैकल्टी ऑफ लाइफ इंफॉर्मेशन साइंस 36,500 इज़ द मिनिमम एंड 74,100 इज़ द मैक्सिमम अमाउंट पर द बी एस प्रोग्राम पर सेमेस्टर। इस तरह अगर हम मैनेजमेंट और इंफॉर्मेशन साइंस की बात करें, बी बी ए, बी एस कॉमर्स, जर्नलिज्म, मास कम्युनिकेशन एंड बी ए होम इकनॉमिक्स की, तो उसमें 43,000 इज़ द मैक्सिमम एंड 36,000 इज़ द मिनिमम अमाउंट अराउंड अबाउट। फैकल्टी ऑफ फिजिकल एंड न्यूमेरिकल साइंस की, जैसे फिजिक्स, स्टेटिस्टिक, मैथमेटिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर साइंस, वो 37,000 इज़ द मैक्सिमम एंड 36,000 इज़ द मिनिमम अमाउंट टू अप्लाई एंड टू सबमिट देयर फी। अंडर ग्रेजुएट सेल्फ फाइनेंस की अगर हम बात करें, तो ये बहुत ज़्यादा है। बी एस आर्कियालॉजी, इंग्लिश, हिस्ट्री एंड आर्ट डिज़ाइन एंड फिलासफी, ये है 41,700, 52,700, तो मैक्सिमम 52,000 एंड मिनिमम इज 41,000। फैकल्टी ऑफ इस्लामिक ओरिएंटल स्टडी 41,000, ये सब सेल्फ फाइनेंस के लिए है। फैकल्टी ऑफ लाइफ एंड इंफॉर्मेशन साइंस 52,000 इज द मिनिमम एंड 1,36,800 फ्रॉम डी इज द मैक्सिमम अमाउंट फॉर द इंफॉर्मेशन साइंस। इसी तरह अगर हम फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट एंड इंफॉर्मेशन की बात करें, ये है सेल्फ फाइनेंस में 52,000 इसका पर सेमेस्टर है। फिजिकल एंड न्यूमेरिकल साइंस की 52,700 है सेल्फ फाइनेंस। फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस की है 42,000 अराउंड अबाउट। ये है, ये सब जो मैंने आपको लास्ट में बताया, ये था सेल्फ फाइनेंस के लिए। वो स्टूडेंट्स जो चाहते हैं कि उसका एडमिशन हो जाए, वो पैसों का परवाह नहीं करते, इसलिए इसको कोई स्कॉलरशिप भी नहीं मिलने वाला है और इसको कोई और चीज़ नहीं मिलेगा, सिर्फ मेरठ वालों को स्कॉलरशिप मिलेगा जो सेल्फ फाइनेंस में नहीं होते। तो ये हो गई। इस तरह इसकी कुछ और भी फीसें होती हैं। अगर आपने रिटेनिंग फ़ी हुई तो वो आपको हम दे सकते हैं 1600 रुपये पर सेमेस्टर। अगर आप पी पार कोर्स, अगर आप एक कोर्स फेल करते हो तो 4800 एक कोर्स के लिए है। इस तरह अगर आप ट्रिप पे जाना चाहते हो स्टडी के लिए, तो 1500 है। अगर आप तीन ज़्यादा दिन के लिए, तो 5000 है पर फील्ड ट्रिप। तो ये कुछ इंफॉर्मेशन है जो कि मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी तरह हॉस्टल की अगर हम सिक्योरिटी की बात करें, तो सिक्योरिटी में आपसे पेशावर यूनिवर्सिटी सिर्फ 5000 रुपये रखेगी फर्स्ट सेमेस्टर में। हॉस्टल फी की अगर हम बात करें, तो उसमें हमारे पास 32,000 रुपये आपकी फर्स्ट सेमेस्टर आती हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा अमाउंट है। इसी तरह हॉस्टल एडमिशन फी इज़ नॉन रिफंडेबल इन केस अगर आपने हॉस्टल के लिए अप्लाई की हो, तो फिर ये आपको रिफंडेबल नहीं होगी। सही है। बी एस साइंस, बी एस आर्ट्स की हो गई, ये है एडमिशन फी इसकी 50, ये सिर्फ अमाउंट इन USD, ये डॉलर्स में है, ये सारे USD में है और ये फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए है। सही है। $1400 जो है वो बी एस साइंस के लिए, बी एस आर्ट्स के लिए 1169 है। तो ये कुछ इंफॉर्मेशन थी फी स्ट्रक्चर के हवाले से जो कि मैंने आपके साथ शेयर की। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। हमारे चैनल को प्लीज़ अप्लाई नाउ को अभी सब्सक्राइब करें, इस वजह से आपको बर वक्त नए इंफॉर्मेशन मिलेंगे एडमिशन से, जॉब्स के और उसके रिलेटेड टेस्ट से। शुक्रिया। बाय बाय।